नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका वेलकम है। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तरबूज के छिलके से ये मैंने बर्फ़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। यकीन मानिए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और 15 से 20 मिनट में ये बन जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इन्हें बनाकर 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें और फिर सर्व करें, बहुत ही यम्मी लगेंगी ठंडी ठंडी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जैसे तरबूज के छिलके से सब्जी भी बनाई है, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो ये देखिए बर्फ़ी बनकर तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर ट्राई करिएगा। जैसे मैंने ये बनाई है उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं। तरबूज के छिलके को हम जो नीचे का पार्ट है उसे यूज नहीं करेंगे, जो ऊपर का पार्ट है उसे हम यूज करेंगे। तो सारे पार्ट हम ऐसे निकाल लेंगे, अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, तो जार में सारे जो तरबूज के छिलके उनको डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने पानी डालकर इनको पीस लिया है। अभी कढ़ाई लेंगे, तो कढ़ाई मैंने 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी लिया है। घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है और ये 1/2 कप यानी आधा कप मैंने बेसन लिया है। दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे, तेज़ करेंगे तो ये जल्दी जल जाएगा और अच्छे से नहीं भून पाएगा। अभी मैंने भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुकी हैं, तो अच्छे से भून चुका है। उसके बाद जो हमने तरबूज के छिलके को पीसा है वो इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे। अभी यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दी है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाली मैंने। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार इसमें आप चीनी ऐड करें। अब ये देखिए चलाते रहेंगे, मैंने 5 से 6 मिनट हो चुकी हैं तो अभी चलाते हुए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर डाल दिया है। केसर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और कलर भी अच्छा आएगा। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। और अभी 2 से 3 मिनट तक और चला लेंगे। अभी देखिए कढ़ाई से छूटने लगा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। हमने कोई भी इसमें फूड कलर का यूज नहीं किया है, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखिए अभी इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैंने ये एक थाली ली है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी बनाएं जमाएं। और देखिए ये मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर पर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है। अभी जो हमने बैटर तैयार किया है तो वो अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर मैं बर्फ़ी बना रही हूँ तो अच्छी तरह से फैला देंगे, बर्फ़ी की शेप दे देंगे। जैसा आप मोटा पतला रखना चाहें बर्फ़ी को उसके अनुसार ही इसे फैला दें। अभी यहाँ पर मैंने ये बादाम के पीस कट कर लिए हैं तो ये डाल दूँगी। आप यहाँ पर जैसे काजू पिस्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये बादाम थे तो बादाम से मैं गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए अब 2 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी निकाल लिया है। तो ये देखिए हम अब इसके पीस कट कर लेंगे, आप कोई भी आकार दे सकते हैं, किसी भी आकार के आप इस पीस कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तरबूज तो गर्मियों में खाए जाते हैं और अभी सीजन भी है तरबूज का, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बर्फ़ी को, बहुत ही यम्मी बनेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी।